वोट देने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? सोच के यह जाएंगे जवन सरकार है वही सरकार के वोट मारल जाएगी। हमके बहुत लाभ है इनसे। अच्छा। और सब तैयार ते जे आयल ते खाई के गया, हमन के कुछ बनावलस ना। माली जी, लोकसभा का चुनाव आएगा, क्या मूड मिजाज है गांव का? गांव का 75% मूड मोदी की तरफ। इस बार मूड तो हम तो सोच रहे हैं कि जो मनोज सिन्हा थे बीजेपी से, यहाँ के गाजीपुर के जो पहले ऐसा मंत्री बने जो कि गांव और जिला का नाम रोशन किए, अभी तक जो सुविधा मिली है उनके ही द्वारा यहाँ पे गाजीपुर मिला है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मंत्री बना जो संसद यहाँ से जो ऐसा काम किया होगा। मनोज सिन्हा आए होते इस बार तो निश्चित उनका जीत विकास हुआ होता और जीत भी उनकी निश्चित थी और हम लोग खुल के दिए तो उनको। नमस्कार। यूपी तक का कारवां आज गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में है। गाजीपुर की ये जो विधानसभा है ये गाजीपुर लोकसभा की सुरक्षित विधानसभाओं में आती है। आज हम गाजीपुर के जो यूसुफपुर गांव में है और हमारे साथ, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर दिखाएं, हमारे साथ यहां पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो दलित जाति से हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मूड क्या है, क्योंकि गाजीपुर में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इन लोगों का मूड क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, गृहिणी हैं आप? वोट देती हैं? जी। तो इस बार क्या मूड मिजाज है, क्या सोच के देंगी? यही सरकार रहेगा। कौन सी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों पसंद है? पसंद है, हम लोग गरीब को जो मिलता है वो देते हैं। जैसे क्या मिलता है? राशन मिलता है, आवास मिला है। अच्छा, इससे कुछ फायदा मिल रहा है? थोड़ा बहुत मिल रहा है। अच्छा, जितना मिल रहा है उससे काम चल जाता है? जी नहीं, चल तो नहीं रहा है, मगर जो चलता है वो ठीक ही है। और सरकारों में क्या खराबी? क्या सरकार को बताएं, सब तो सही है, हम लोग को बैठे। चलिए देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? शशिकला। वोट देने जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगी? सोच के यह जाएंगे जवन सरकार है वही सरकार के वोट मारल जाएगी। हमके बहुत लाभ है इनसे। अच्छा। और सब तैयार ते जे आयल ते खाई के गया, हमन के कुछ बनावलस ना। हाँ, हमन के बहुत लाभ है, नरेगा में समूह द्वारा हर चीज ऐसे लाभ है, एकरे ये वजह से हमन के नहीं के वोट मारल जाए। मतलब भाजपा के? हाँ, भाजपा के वोट मारल जाए। क्या नाम है माता जी? कोशिला जी। कोशिला नाम। चुनाव में वोट देला? हाँ। का सोच के देला? सोच के जी अमन को रक्षा करी ओके देहल जाई। हाँ, सब कुछ हमके मिलत, हमारे एक लड़का गुजर गए ना, इनसे मिलत या नरेगा में करत थी तो मिलत या इनसे मिलत ही बा, नरेगा में मिलती बा, हमन के ये चावल राशन मिलता है, राशन मिलता है, गैस मिलल है, जब ले प्रधान जी तो हमन के ख्याल करो, यही मिलती है। जो सरकार ही है वो आप लोगों के जो योजना है, अनाज उनाज मिलेला? हाँ, सब कुछ मिलेला। आपका क्या नाम है जी? शीला। अच्छा, चुनाव में वोट देती हैं? हाँ। गाजीपुर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या मूड मिजाज है? लाभ मिलत है मन के, तब वोट देती हैं। क्या सोच के वोट देती हैं? हर चीज मिलत है, राशन मिलत है, नरेगा में काम मिलत है, समूह में काम मिलत है, ये लाभ बा। लेकिन ए बार तो भाजपा यहाँ से हार गई है। मोदी जी के वोट देवल जाइए। काहे मोदी जी के वोट? हर चीज देखत हूँ, देख हूँ। आपको बता दें कि गाजीपुर की जो ये जखनिया विधानसभा है ये सुरक्षित विधानसभा है,
यहाँ पर हमारे साथ दो साथी और खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनका मूड जानेंगे कि इन लोगों का मूड क्या है। भैया, गाजीपुर में जो लोकसभा चुनाव होना था उपचुनाव, उसकी संभावनाएं तो आप देख रहे थे कि अफजल अंसारी को सजा होने के बाद जो है वो हो रही थी कि उपचुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव नहीं हो रहा, ऐसी संभावनाएं लोग जता रहे हैं। लोकसभा होगा तो किस तरह का प्रत्याशी और क्या मूड में रहता है प्रत्याशी? सबके हित में हो तो ठीक है, और आज की डेट में तो बिरादरी के ऊपर सब चुनावी हो रहा है। पहले तो हम आपका परिचय और नाम जानेंगे। अमित कुमार जी। अमित कुमार जी हैं, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूसुपुर, इसी गांव के रहने वाले। और आप दलित मतदाता जी? तो क्या करते हैं? हम पेशे से डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, चिकित्सक है। देखिए भाई साहब, चिकित्सक हैं। ये माना जाता है कि जो दलित वोटर होता है, जो आपका समाज होता है, वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर होता है, तो ऐसे में क्या सोचता है दलित वोटर? दलित वोटर क्या सोचेगा? अपने विकास के बारे में सोचेगा, सबके विकास में, जरूरी नहीं कि पर्सनल विकास में सोचे, सबके विकास में सोचेगा। शिक्षा और अनुशासन और सब, बिजली पानी सही हो तो ठीक है, यही चाहिए ना, क्या चाहिए। जैसे माना जा रहा है, अभी देखिए जैसे घोसी उपचुनाव हुआ, उसमें ये माना गया था कि वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं था, तो ऐसे में बहन जी का एक फरमान आया था कि वोटर वोट ना दें और नोटा दबाएं, लेकिन बड़ी संख्या में जो है वो देखा गया कि ऐसा हुआ नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण समझ? नहीं, वहाँ के तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा। जैसे गाजीपुर में क्या समझ पा रहे हैं? क्या गाजीपुर में बहुजन समाज का जो वोट है वो किधर जाए? इधर गाजीपुर में तो प्रत्याशी खड़ा करेंगे ना, उनको ही दिया जाएगा ना। ये चाहेंगे कि जैसे आप मन की बात अपने खुल के बताएं, जैसे गाजीपुर लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन बन के आ रहा है जो आप देख रहे हैं, और एक जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए वाला है, और बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने ये कहा है कि हम जो है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आपका क्या मत है कि ऐसा उनको गठबंधन के साथ जाना चाहिए या उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या वो जो फैसला लेंगी बहुजन समाज उन्हीं की तरफ जाए? हाँ, वही सही है, जो फैसला लेंगी वही सही है, बिल्कुल जी। तो जैसे गाजीपुर में अफजल अंसारी हम लोग को तो सीधा वही दिखता है, प्रत्याशी से मतलब नहीं, हम लोग को सीधा बहन जी दिखती है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हम लोग को मूल बहन जी दिखती है जी। और जैसे ये भीम आर्मी आ रही है, इसके बारे में? इसको हम लोग लाइक नहीं करते। कारण? कारण कि इसमें बहुत ज्यादा लोग बेकार के लोग हो रहे हैं, कोई इसमें वो मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ बहन जी को जानते हैं, किसी और को नहीं। डॉक्टर साहब हैं, इनका मानना है कि हम बहन जी को ही ज्यादा। मेरे साथ एक सज्जन और हैं, क्या नाम है भैया? मेरा श्रवण कुमार नाम है। श्रवण जी, जिस जाति विशेष से आप लोग आते हैं जी, जी क्या मूड है इस बार? मूड तो हम तो सोच रहे हैं कि जो मनोज सिन्हा थे बीजेपी से, यहाँ के गाजीपुर के जो पहले ऐसा मंत्री बने जो कि गांव और जिला का नाम रोशन किए, अभी तक जो सुविधा मिली है उनके ही द्वारा यहाँ पे गाजीपुर मिला है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मंत्री बना जो संसद यहाँ से जो ऐसा काम किया होगा। मनोज सिन्हा आए होते इस बार तो निश्चित उनका जीत विकास हुआ होता, और जीत भी उनकी निश्चित थी, और हम लोग खुल के दिए होते उनको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं 2019 का चुनाव, वो 20,000 करोड़ की परियोजनाएं लोग बताते हैं कि काम किए, लेकिन उसके बावजूद हार गए, तो इस हार का मलाल है? हाँ, जब हार हुई तो जनता को अफसोस हुआ कि बहुत गलत हुआ जातिवाद पे, बाकी अब अफसोस हो रहा है कि अगर दोबारा लड़ते तो यहाँ से जीत जाते हैं मनोज सिन्हा। अगर मनोज सिन्हा को दोबारा मौका मिलेगा तो उनका वोट बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा वोट। भाई, आप लोग जिस समाज से आते हैं, उस समाज से तो अफजल अंसारी खड़े थे। हाँ, तो वो कुछ किए नहीं ना, अभी तक 2 बार संसद बने, बाकी कुछ नहीं यहाँ से हुए, बस संसद ही बने हैं, कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक गाजीपुर जिले में। जैसे आप लोगों का जो मत है वो बहुजन समाज पार्टी की ही तरफ जाने जाता है, ऐसा माना जाता है, तो
तो फिर क्या लगता है कि जो आपका समाज है वो क्या देखकर इस बार वोट करेगा? इस समय जो विकास चल रहा है, विकास के मुद्दे पे वोट करेगा समाज। और हम लोग यहाँ तो बहुत विकास हुआ है देश प्रदेश, और जो हमारा देश का नाम भी बहुत इस समय शोषण पे चल रहा है प्रदेश में। मतलब मोदी की नीतियों से आप प्रभावित? जी जी, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है यहाँ पे। देखिए 2014 में जब मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव लड़े थे तो वो जीते थे और केंद्र में मंत्री बने थे, और जो 5 साल वो यहाँ पर काम किए उस काम के बाद लोगों में उनके प्रति विश्वास बहुत हुआ और 20,000 करोड़ की परियोजनाएं लगभग उन्होंने चलाई। बावजूद उसके वो 2019 में गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से चुनाव हार गए थे। हम इस वक्त कम्युनिटी चौपाल में दलित और गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, और हम आए हुए हैं यूसुफपुर, एक जो जखनिया विधानसभा का गांव है उस विधानसभा में। यहाँ पे आज ग्रुप की कुछ महिलाओं की बैठक है, संयोग से हम लोग वहां पहुंच गए हैं, और आप ये देख रहे होंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये ग्रुप की महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या है, क्योंकि घर का जो चूल्हा चौका है, जो बजट है, वो इन्हीं महिलाओं के माध्यम से चलता है। तो इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं, देखिए हम इन महिलाओं से, क्या नाम है आपका? बचानी देवी। बचानी जी, ए बार का मूड है? लोकसभा चुनाव होके के है, आगे चुनाव हुई तो का सोच के वोट देवे के? जिताने के। अरे मतलब वो तो कोई ना कोई जितबे करी, लेकिन के और काहे जीते वो? मोदी के। मोदी के काहे देबो? मोदी कार बार देले हुआ और आवास देना, आवास गैस देना, लाइन बिल फिल करवाइया, और वही खातिर के वोट किया था। मोदी पर तो आरोप लगेला कि झूठ बोले ना? अरे झूठ का बोले ना, सभी जानता, सब देखा था, और उनमें झूठ वाली कौन बात है? जब अनाज उनाज मिला था आप लोगों को? हाँ मिले ला श्रीमती अनिता, श्रीमती अनिता देवी। अनिता देवी वोट दी थी तो किसको वोट दे रही है, क्या सोच? ये सोच के हम लोग को राशन भी मिलता है, सही से समूह चलाते हम लोग, गैस मिला है पटना जी के माध्यम से। जी क्या नाम है चाचा आपका? हरचंद जी। हरचंद। हरचंद जी क्या सोच के वोट देंगे? सोच के वह मोदी के जा देंगे। अरे ये चोट कैसे लग गई आपको, इधर आइए। अरे लड़ी कर दी है, क्या जी नहीं नहीं ठीक है, क्या सोच के वोट देंगे? ये दिन में हर चीज हमन के मिलने से सुविधा। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ। क्या मिल रहा है? अरे मिले तो पैसा मिला था, अनाज मिला था, ये कुल मिलत वामन के अवधि का मिलती है। कि मानल जाला कि जो दलित और छोट बिरादरी है वो भाजपा के वोट ना देवे ले, वो बहुजन समाज पार्टी के वोट देवे ले, तो ऐसन में आप कहत हुआ कुछ और बात? हमार मोदी के दे जे बना की हाथी हम ना कुछ जाने रहे, मोदी के देवल जाई। हाँ। तो मोदी के काहे देवल जाई? हमारे के हर चीज के सुहेल मिलत है, खरी कारण है, पेंशन मिलत है, खेत का पैसा मिला था, राशन मिला था, अब कौन चीज हमारे राशन सब चीज सब जा मिलत है, तब तो नहीं के दे जाई ना, हर चीज के जब मिल रहा है। देखिए आप तो नारंगी पहने हैं, क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार माली। माली जी जी, आइए इधर आइए, आप कहाँ? यही यूसुफपुर के ही जी, रहने जी, वाले जी, हैं। जी जी, माली जी लोकसभा का चुनाव आएगा, क्या मूड मिजाज है गांव का? गांव का 75% मूड मोदी की तरफ है। अरे भाई यहाँ तो देख रहे हैं बहुत सारे दलित बिरादरी के लोग हैं, बसपा का कोर वोटर माना जाता है। मोदी जी का ऐसा है, आवास, गैस कनेक्शन, बिजली, सड़क और नरेगा, ये सब मोदी के वजह से मिला है। इसके लिए और कोई सरकार आगे नहीं दिया है, और किसानों को 2,000 आ रहे हैं। तो मनोज सिन्हा हार कैसे गए 2019? अब उसमें सपा बसपा दोनों मिल गई, दो एक को हराई देंगे।
दो एक के लिए दही हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार की नीतियां चल रही हैं वो भारी रहेगी, विकास की नीति या जातिवाद की नीति इस बार के चुनाव में भारी रहेगी? विकास की नीति भारी रहेगी। पक्का? पक्का। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा है, और हम कम्युनिटी चौपाल में ज्यादातर दलित लोगों से बात किए, और जो ये आप वोटर देख रहे हैं ये कोर वोटर हैं गांव के, और यहाँ पे लोगों को मनोज सिन्हा की हार का थोड़ा सा अफसोस है। सरकार की नीतियां और सरकार की जो योजनाएं हैं इन लोगों तक पहुंच रही हैं, कुछ असंतुष्ट भी हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या लोगों ने कहा ये आपने भी सुना। आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो ये जनता नीतियों पर, विकास योजनाओं पर वोट करेगी या जातिवाद पर करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक।